भाजपा के द्वारा कैंडिडेट खड़ा कराकर भाजपा के लोगों ने उनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया था। क्या अरुणाचल में जिस तरह से नीतीश कुमार के सीना पे अब वार करने का काम किया गया है, खंजर भोंकने का काम किया गया भाजपा के द्वारा, अपने ऊपर अगर उनको विश्वास है तो नीतीश कुमार जी वहां से छोड़ के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, तेजस्वी यादव जी पर विश्वास जाए। मार्च तक का हमने अल्टीमेटम दिया था, हमको लगता है कि मार्च तक वो भी भाजपा के लोग उनको खींचने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार एनडीए में भी क्या सब कुछ ठीक रहेगा? सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के विधायकों को भाजपा में शामिल करा लिया गया है, उसके बाद से सियासी पारा जो है वो चढ़ चुका है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो फिलहाल जदयू कार्यालय में चल रही है, जिसमें हम जदयू कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। अंदर की बैठक की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे होंगे, आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और संगठन के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आरजेडी जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है वो साफ साफ कह रही है कि नीतीश कुमार के पीठ में खंजर मारा गया था चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा कराकर, और अब जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराकर सीने पर खंजर मारा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, जरा सुनिए। नीतीश जी को जिस तरह से भाजपा के लोगों ने चुनाव से पहले पीठ में खंजर भोंका था, मीन्स की पहले चुनाव के पहले जितने भी जदयू के कैंडिडेट हुए वहाँ पे लोजपा के द्वारा कैंडिडेट खड़ा कराकर भाजपा के लोगों ने उनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया था। और कल जो हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल में जिस तरह से नीतीश कुमार के सीना पे अब वार करने का काम किया गया है, खंजर भोंकने का काम किया गया भाजपा के द्वारा, अब तो नीतीश कुमार जी को अगर जरा सा भी अगर लगता है कि उनके ऊपर अपने ऊपर अगर उनको विश्वास है तो नीतीश कुमार जी वहाँ से छोड़ के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, तेजस्वी यादव जी पर विश्वास जताए। उनके सीना पे वार किया गया है, उनके सीना पे खंजर भोंका गया है। कल जिस तरह से उनके छः छः विधायकों को भाजपा अपने पाले में ले लिया है, अब बचा क्या है? अगर जरा सा भी सामाजिक न्याय का ख्याल है नीतीश बाबू को तो आए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो अभी तो 73 और 71 से आ गए 41 पर। अब पता नहीं वो भी 41 को उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। मार्च तक का हमने अल्टीमेटम दिया था, हमको लगता है कि मार्च तक वो भी भाजपा के लोग उनको खींचने का काम करेंगे। तो आपने सुना मुकेश रोशन क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, तो क्या कुछ फैसला जो है वह जेडीयू दफ्तर के अंदर लिया जाता है और उसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एनडीए के नेता लगातार कह रहे हैं कि एनडीए बिहार में एकजुट है। फिलहाल एकजुट है या नहीं है ये तो आने वाला दिन ही क्या बताएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या कुछ फैसला निकल के आता है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।